नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा। आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। उधारी की नई फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है। बहुत अच्छे डांसर तो है उधारी, लेकिन एक्टिंग में नया कदम रख रहे हैं। क्या कुछ काम है नहीं? उधारी एक्टिंग में नया कदम नहीं रख रहे हैं। उधारी को अगर आप देखें तो उधारी मेरी फिल्म के हीरो थे। बिटिया छठ माई के फिल्म में उधारी हीरो थे। सही मायने में अगर उस फिल्म को देखूं तो मैंने एक कैरेक्टर निभाया था। मैं उसमें जो बेटी बनी है उसके पिता की भूमिका में था। तो उस फिल्म के अगर हीरो कोई हैं तो उधारी बाबू थे हीरो, और प्रीति सिंह हीरोइन थी। तो ये उधारी के उसके बाद की फिल्म है, और बड़ी खुशी है कि उधारी को एक बहुत ही अच्छी फिल्म मिली है जिसका नाम है उधारी सुपरस्टार। और इस फिल्म के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी है, कुछ बोलूँगा, लेकिन आपके सवाल के बाद। अगला सवाल प्लीज़। किस तरह का फ्यूचर देखते हैं आप उधारी का? क्योंकि आपने उनके साथ फिल्म भी किया है। हाँ, उधारी एक अच्छे अभिनेता हैं, और अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ वो सुपर क्लास के डांसर हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डांस जब वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी लाइक जैसे बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ है, वरुण धवन है, ये लोग बहुत, ऋतिक रोशन है, ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर डांस के मामले में देखें तो वो उधारी है। तो एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये फिल्म एक ऐसे कलाकार को लेकर के बनाई है। इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो डांस के ऊपर है, और डांस के लिए बधाई के पात्र वो निर्माता हैं जिन्होंने उधारी को इस रोल में अपनी फिल्म में कास्ट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ जब फिल्म बनाई जाती है तो रिकवरी पहले सोची जाती है कि उस स्टार को ले लो, उसके नाम पे ये रिकवरी है, उस स्टार को ले लो, उसके नाम पे ये रिकवरी है, उस स्टार को ले लो, उसका ऑडियो वीडियो सेटेलाइट इतना आता है, उस स्टार को ले लो, उसका ऑडियो वीडियो सेटेलाइट इतना आता है। किसी को फिल्मों से प्यार बहुत कम लोगों को होता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनाने के बाद रिकवरी करने का चलन नहीं है, इसीलिए शायद हम पीछे हैं। मैं बधाई का पात्र, मतलब इस निर्माता को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक सिनेमा बनाते समय ये नहीं सोचा कि मुझे किसी स्टार को लेना है। उन्होंने सोचा कि मुझे एक फिल्म बनानी है, डांस के ऊपर है, तो उस कलाकार को लेना है जो परफेक्ट डांस कर सके। तो उन्होंने उधारी को चूज़ किया, और ये परफेक्ट कास्टिंग है। उसके बाद एक और सबसे अच्छी चीज़ कह सकता हूँ इस फिल्म को कि चूँकि डांस के ऊपर फिल्म है तो फिल्म के निर्देशन की बागडोर उस इंसान को दिया गया है जो डांस के मामले में हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि कोरियोग्राफी के मामले में प्रभु देवा जैसे हैं। उधर प्रभु देवा बहुत अच्छा डांसर भी हैं, निर्देशन भी करते हैं। उनकी फिल्मों का जब भी आप निर्देशन देखेंगे तो उसमें डांस कुछ अलग लेवल पर होता है। तो यहाँ पे आरडी मास्टर राम देवन जी को इस फिल्म का निर्देशन सौंपा गया है, और निसंदेह जब वो दूसरों की फिल्म में डांस को एक अलग आयाम देते हैं तो अपनी फिल्म में मुझे पूरा उम्मीद है कि वो चार चांद लगाएंगे। जी, ये कैसी फिल्म होगी? अगर मैं पूछूं कि कोरियोग्राफर इसमें डायरेक्टर है, एक डांस जो बहुत अच्छा डांसर है वो एक्टिंग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कैसी फिल्म साबित होगी? मैं बहुत खुश इस वजह से हूँ कि जैसे देखिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता था, कि मैं अलग करने की कोशिश करता रहा हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं वही एक आग यहाँ देख रहा हूँ कि एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जो भोजपुरी में लगभग शायद मैं भी नहीं सोचूं कि इस तरीके की फिल्म बनाने, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ। आई एक्सेप्ट कि मैं बहुत अच्छा डांस नहीं करता हूँ। तो मुझे अच्छा क्या लगा कि जैसे हम बॉलीवुड में ABCD जैसी फिल्में बनती हैं, ABCD की कामयाबी के बाद ABCD 2 बनाई गई, अभी ABCD 3 बन रही है। तो डांस को बेस करके हमारे बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं, साउथ में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बट भोजपुरी में आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट, कुछ इस तरीके की फिल्म बनाए। तो निसंदेह ये डायरेक्टर, निसंदेह ये प्रोड्यूसर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक अलग कथा विषय उठा करके एक अलग चीज़ को भोजपुरी में लाने की कोशिश की है। भोजपुरी में बदलाव की ज़रूरत है। हम कब तक वही ठाकुर ठाकुराइन, वही विधायक, वही गोली मारना, वही लहंगा चोली देखेंगे? कुछ अलग करने की जरूरत है, और वो लोग कर रहे हैं। तो निसंदेह वो लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए अभी मैंने जस्ट एक फिल्म कंप्लीट की है, परवरिश, जिसमें मैं हूँ। मेरे अपोजिट में स्मिता सिन्हा हैं, मेरे छोटे भाई के रोल में। इसमें रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे के साथ मैंने दूसरी फिल्म की बड़ा सुखद अनुभव रहा। इसके पहले हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की थी, शिविका दीवान है, और एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है अजय श्रीवास्तव जी ने। तो इसके पहले जस्ट मैंने अभी दिनेश यादव के साथ मोहब्बत की जंग कंप्लीट की है जो रिलीजिंग पे है, विजय भवा है। और अभी जस्ट मैं जिस फिल्म के शूट पे जाने वाला हूँ उसमें 4 फिल्में हैं। एक मेरी हिट फिल्म का सिक्वल कंटिन्यू बन रहा है जिसमें कसम पैदा करने वाली पार्ट टू जा रही है फ्लोर पे, इसके बाद हमारी नागराज टू जाएगी फ्लोर पे, और इंस्पेक्टर धाकर सिंह सबसे अहम भूमिका वाली फिल्म है मेरी। तो इन सारी फिल्मों पे काम चल रहा है और अभी रिसेंटली एक इंसानियत का देवता, वो फिल्म का फ्लोर पे फिल्म जाने वाली है, उसके शूटिंग में मैं, इंदर रणवीर सिंह। और अभी एक बड़ी कमाल की फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है, 2 सोलह बरस की मैं 17 बरस का। इसमें भी चैलेंज था क्योंकि मैं 17 बरस का दिखता नहीं हूँ, लेकिन 17 साल के दिखाने के लिए मैंने अपने बाल छोटे करवाए, क्लीन शेव में आया हूँ, तो कुछ डिफरेंट काम करने की कोशिश की है। बाकी तो सब जनता जनार्दन है, अपना प्यार देते रहें, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.